किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पानी की बूंद अगर तवे पर गिर जाए तो गायब हो जाती है, वही पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिर जाए तो मोती की तरह दिखने लगती है, और वही पानी की बूंद अगर सीप में गिर जाए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, सिर्फ फर्क जो है संगत का है। एक छोटी सी कहानी। एक राजा जो काफी गुस्सैल था, बड़ा क्रोधी स्वभाव का था, अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला हुआ था, और सैनिक जो है वो शिकार को मिस कर चुके थे, यानी कि शिकार जो है भाग चुका था उनकी पहुंच से दूर। इस बात पर राजा बहुत गुस्सा हुआ कि तुम लोग भटक गए और तुमने शिकार को जाने दिया। इतना अच्छा शिकार हमें मिला था और वो जानवर अब निकल गया, अब कहां से आएगा? राजा बहुत गुस्सा करने लगा। राजा इतना गुस्सा करने लगा कि सैनिकों से कहा, जाओ वापस राजमहल और ये मेरा घोड़ा भी ले जाओ, मैं पैदल पैदल आऊंगा। सैनिकों ने कहा, महाराज कहां आएंगे आप, जंगल में रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन राजा गुस्सेल था, क्रोध में इंसान कुछ भी कह देता है। उसने कहा, नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, इस घोड़े पर नहीं चलूंगा, इसने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे जिधर जाना था शिकार का पीछा करने, ये उस स्पीड से नहीं दौड़ा, भेज दिया सबको वापस। राजा अब अकेला पैदल पैदल आने लगा। धनुष बाण उसने अपने साथ लिए हुए थे, क्योंकि सुरक्षा तो चाहिए, आगे चल रहा था, जंगल में तो थकान होने लगी, बहुत देर से पैदल चल रहा था, तो एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम करने लगा। राजा थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठा था, लेकिन नींद लग गई, गहरी नींद आ गई। दोपहर का समय था, उस विशाल वृक्ष पर पेड़ की जो डाली थी उस पर एक कौवा बैठ गया, और थोड़ी देर बाद कौवे ने राजा के ऊपर बीट कर दी। जो बीट थी वो राजा की जो ड्रेस थी, जो कपड़े थे उन पर आकर के गिर गई। राजा को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर बाद कौवा उड़ करके चला गया, और उसी डाली पर आकर के कुछ देर के बाद में एक हंस बैठ गया। हंस जब आकर के बैठा तो हंस भी थोड़ी देर सुस्ताने लगा। शाम होने को आई और राजा की इस बीच में नींद खुल गई, तो राजा ने देखा कि उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं, ड्रेस गंदी हो चुकी है। ऊपर देखा, सबसे पहले तो हंस दिखाई दिया बिना देरी के, क्योंकि गुस्सैल राजा था, क्रोध में रहता था। बिना देरी के उसने एक तीखा सा बाण चलाया और जाकर के वो बाण हंस को लगा। हंस कराहते हुए नीचे जमीन पर गिर गया, और हंस ने देखा कि राजा ने उसे तीखे बाण से घायल कर दिया, उसकी जान जाने वाली है। हंस को कारण समझ में आ गया कि इसके कपड़े गंदे हो गए, इसलिए इसने मुझे मारा। हंस ने कहा, राजन मैं एक दुष्ट के स्थान पर आकर के बैठ गया, वरना बताइए मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया? मैं तो निर्मल जल में रहने वाला निर्मल स्वभाव का हंस हूं, लेकिन मैं एक दुष्ट की जगह पर आकर के बैठ गया और मेरा ये हाल हो गया। आप सोचिए राजन, जो दुष्टों के साथ रहते होंगे हमेशा, उनका क्या हाल होता होगा। हंस के प्राण जा रहे थे, राजा क्षमा मांग रहा था, लेकिन क्या कर सकता था। हंस ने प्राण त्याग दिए और जाते जाते राजा को बड़ी बात सिखाई कि दुष्टों की संगति से बचिए। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन दो बातें सिखाती है। पहली तो ये कि आपकी जो कंपनी है, जिस फ्रेंडशिप में आप रहे हैं, जिस सर्किल में आप उठते बैठते हैं, वो ठीक लोगों का हो, वैसे लोगों का हो जो आपको आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, आपको लाइफ में पॉजिटिविटी का रास्ता दिखाते हो, आपकी टांग नहीं खींचते रहते हो कि तू ऐसा है वैसा है, ये कहते हो कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप बड़े सपने देखें, उनके लिए मेहनत कीजिए। और दूसरी बात सिखाती है, कभी भी क्रोध में आकर के एक्शन मत कीजिए। कुछ लोग जो हैं गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठते हैं कि हमने गलत कर दिया। तो कभी भी जब आप गुस्से में हो, कोई भी फैसला मत लीजिए, फैसला लेने से बचिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।